मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी मोहनिया में खुलेआम चल रही वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में अचानक भगदड़ मच गई, जहां एक ओमनी वैन में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के चलते अचानक ओमनी वैन में आग भड़क उठी, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं क्षेत्रीय जनों ने इसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी, जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने जलती हुई ओमनी वैन की आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक ओमनी वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि जिस जगह यह हादसा हुआ आजू बाजू रहवासी इलाका है, जिसमें खुले आम गैस रिफिलिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं जिस प्रकार से अवैध गैस रिफिलिंग का काम फल फूल रहा था, उस पर रांची पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को भी अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना पूर्व से थी, लेकिन पुलिस ने कभी छापामार कार्रवाई नहीं की। वहीं सूचना पर पहुंची 100 डायल पुलिस ने मौके पर जाकर प्रकरण दर्ज कर रांची पुलिस को दिया है। वहीं देखना होगा कि रांची पुलिस अब अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई करती है। वहीं ओमनी वैन किसी निशान राजपूत की बताई जा रही है, जो अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कराने पहुंचा था। ये रांची मोहनिया से सूचना मिली थी 1:55 पे कि यहाँ आग लगी हुई है कार में। यहाँ मौके वारदात पे आके देखा तो एक कार ओमनी जल रही थी, जिसे बुझाया गया है। कार है निशांत राजपूत की, ये क्या है वाहन नंबर इनका MP20RA 2749। बस आग बुझा के अब आग कंट्रोल है, देख लिए कुछ नहीं है। अब उनका गाड़ी का देखना इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये जानकारी करना अभी बाकी है। गैस रिफिलिंग पॉइंट यहाँ पर चलता था बता रहे हैं जी, अपन को जानकारी नहीं है ना, अपन तो आग लगी हुई देखे तो उसको बुझाया है अपन ने, अपन को ये नहीं मालूम क्या क्या काम क्या होता है दुकान पे। नाम बता। मेरा नाम अली प्रसाद है।